जो पक्षी पेड़ पे बैठा होता है उसे कभी भी हवा से या पेड़ के गिरने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे अपने पंखों पर पूरा भरोसा है। और इसी तरह से गौतम बुद्ध ने कहा है कि डर कभी भी मौत को नहीं रोक सकता, डर सिर्फ एक चीज रोक सकता है और वो है जिंदगी। और आप भी समझ रहे होंगे कि आप जब डर में होते हैं आप अपनी लाइफ को उस तरह से जी ही नहीं पा रहे हैं जिस तरह से बिना किसी डर के जी सकते हैं, या फिर आप वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जो आप बिना किसी डर के ले सकते हैं। समझ गए होंगे बात। आज हम बात करने वाले हैं डर की। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मैम छोटी छोटी चीजें करने में डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, किसी के सामने कुछ बोलने में डर लगता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो हैं उन्हें उसमें से निकलने में डर लगता है, अकेले रहने में डर लगता है, जिनके पास जॉब नहीं है वो उस डर में हैं, और जिनके पास जॉब है उन्हें जॉब जाने का डर लगता है। पर ये सारे डर क्यों हैं, ये कहां से आ रहे हैं? इस वीडियो के खत्म होने तक आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और आप इससे कैसे डील करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, लोगों की पर्सनालिटीज और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। तो अब सबसे पहले जब हम इस डर को देखने वाले हैं, ये क्या है, कहां से आ रहा है, हमारी बॉडी में ये कैसे क्रिएट हो रहा है और इसे डील कैसे करना है, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताइए कि आपने कभी एक छोटे बच्चे को डरते हुए देखा है? नहीं। उसको जितनी ऊपर उछालते हैं हवा में वो उतने जोर से स्माइल करता है, हंसता है। वो छोटा बच्चा जिस डॉग से लोग डरते हैं वो जाता है, उसकी टेल खींचता है, उसके कान खींचता है, वो डॉग भी उसे कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, सीढ़ियों से गिरने का डर, आग से जल जाने का डर, ये सारे डर इसे सिखाए जाते हैं। और कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें तो ये सही भी है। इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि ये डर हमेशा गलत हो, ये अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन हमने पहले जिस डर की बात करी, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर, लोगों के सामने कुछ बोलने का डर, किसी को कुछ हो ना जाए ये डर, फियर ऑफ लूजिंग आवर लविंग वंस, ये सारे सिर्फ साइकोलॉजिकल डर हैं, इनका एक्चुअली कोई प्रूफ ही नहीं है। पहले भी आपको बहुत डर लगा होगा लेकिन उसमें भी कोई प्रूफ नहीं निकल कर आया कि वो सब सही था, वैसा ही हुआ या नहीं हुआ। और इन सारी चीजों में आपको डर कभी भी आपकी साइड से होने वाली चीजों का डर नहीं लगता, आपको डर लगता है जो सामने से आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ने में डर नहीं लगता, आपको डर लगता है एग्जाम पेपर में क्या आएगा। अगर आपके एग्जाम्स अच्छे भी गए हैं तो भी आपको रिजल्ट से डर लगता है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैम हमें पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। आपको बोलने में डर नहीं लगता, आपको डर लगता है सामने से क्या रिएक्शन आने वाला है। मींस आप अगर सबको समराइज कर दें तो आपको डर लगता है एक्सटर्नल फोर्सेस से, अनसर्टेनिटीज, क्योंकि आप हर चीज कंट्रोल में रखना चाहते हो। आपको लगता है अगर ऐसा वैसा वैसा कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा, मींस फियर ऑफ सर्वाइवल। अब फियर ऑफ सर्वाइवल क्या है, और इस फियर ऑफ सर्वाइवल को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में है, उससे हमें इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले, अभी तो देखो हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, अच्छे से घर बना के सोसाइटी में सोशल रहते हैं। पहले जब हम इस प्लेनेट पे आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आदि मानव, हम पेड़ों पे और जंगलों में रहते थे। अब जंगल में सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है जंगली जानवरों का, तो आपके दिमाग को पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ता था कि कोई जानवर यहां से ना आ जाए या वहां कोई खतरा ना हो। अब इसको आप कनेक्ट करना हमारी आज की डेली लाइफ सिचुएशन से, आपका दिमाग आज भी उतना ही अलर्ट है, उस वक्त पर तो फियर ऑफ सर्वाइवल था, आज क्या है, कुछ नहीं। लेकिन आपका दिमाग आपको आज भी फियर ऑफ सर्वाइवल में रखता है कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब प्रैक्टिकली सोचो, क्या आप सच में इतने अनसेफ हो? नहीं, आप प्रॉपरली सेफ्टी से अपनी बनाई हुई प्लेसेस पे रहते हो। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों से हमें कैसे डील करना है। सबसे पहली बात तो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका जो दिमाग है
वो आपको प्रोटेक्ट रखना चाह रहा है। देखो आपके बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वो आपसे कुछ नहीं कहते। आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, वो सारे अपना काम अच्छे से करते हैं और आपको उनके काम करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है बस ये माइंड और आपके बीच में। ये पूरे टाइम अपनी चैटर ऑन रखता है और आप इस पर पूरी तरीके से बिलीव करते हो। अब अगर ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये आपको सिर्फ प्रोटेक्ट रखने का काम कर रहा है, जैसे कि ये पहले भी करता था, तो क्या आप अपने एरिया के या अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को पूरी ओनरशिप दे देते हो? क्या सारे डिसीजंस वो लेता है? नहीं, डिसीजंस आपके होते हैं, वो सिर्फ एक गार्ड होता है। इन द सेम वे यहां भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी चैटर ऑन रहेगी। बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि मैम नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोकें। यू कैन नॉट स्टॉप इट कंप्लीटली, ये बीच बीच में बोलेगा, पर आपको ये चूज करना है कि हाउ मच ट्रूथ इज देयर। वो जो बोल रहा है क्या वो सही है? अगर आपके एग्जाम्स ठीक गए हैं तो रिजल्ट से इतने डरने की जरूरत ही क्या है? आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, तो आपका माइंड थॉट क्रिएट करता है और आपकी बॉडी जो उसकी एक स्लेव है वो उससे रिलेटेड इमोशन अपने अंदर क्रिएट करती है, मींस फियर, पेन। और आप इन सारी चीजों से डील करना छोड़कर सिर्फ बैठ के परेशान होते रहते हो। तो अब एक बोनस टिप है, एक अफर्मेशन है, जब भी आपको डर लगे तो पहले तो उससे डील करने का सही है नहीं है सारा चीज देख लीजिए और उसके बाद खुद को साथ साथ अफर्म करते रहिए। लाइफ इज रियली ब्यूटिफुल, आई एम सेफ एंड दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल सेफ प्लेस। याद रखिए, वो परिंदा पेड़ पर रहने के लिए नहीं बना है, वो उड़ने के लिए बना है और वो जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर उड़ सकता है। तो अब आपकी बारी है, आपके हिस्से की उड़ान भरने की। सो बिलीव इन योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड लिव दिस लाइफ फुल्ली, बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ। थैंक यू।